हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड तो बेटा आपका एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है वो हमने यूट्यूब पे भी कंप्लीट कर लिया आपकी रैपिड एनसीआर टेलीविजन सीरीज में और प्लस पे भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और अब बारी है देखने की कि ये चैप्टर हमें कितने अच्छे से समझ में आया क्योंकि अब टाइम आया है क्वेश्चन सॉल्व करने का तो अगेन हम एग्जाम्पलर्स भी देखेंगे हम पी भी देखेंगे तभी हमारी आ, पूरे तरीके से जो है तैयारी कंप्लीट होगी क्योंकि हमारे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ठीक है तो शुरू किससे करें हम एग्जाम्पलर्स सीरीज से उसके बाद हम पी भी देख लेंगे एग्जाम्पलर शुरू करते हैं अपना मिस्टेक नोटबुक भी ले लीजिए और अपना सॉल्व करना भी साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको आप पहले आंसर करें और आपको पता चले आपको कितना आता है, है ना तो एग्जाम्पलर सीरीज शुरू करते हैं बेटा शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से उससे पहले अगर आपने अभी भी प्लस क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप आनंद कोड यूज कर प्लस क्लासेस में जरूर जरूर एनरोल कीजिए इफ यू वांट टू लर्न विद अस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे हर चीज एकदम अच्छे इंटरेक्शन के साथ क्लोज स्पेस में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए आपको लाइव टेस्ट क्विजस सब कुछ वहां पर मिलता है अलोंग विद स्टडी मटीरियल और सारे पीडीएफ के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ के पीवाई क्यूज के पीडीएफ के लिए आप कहाँ जा सकते हैं टी डॉट एम ई स्लैश आनंद मनी जीरो जीरो वन दैट इज योर टेलीग्राम चैनल ठीक है आनंद मनी का टेलीग्राम चैनल उस पर आप जाकर ज्वाइन करें जरूर ज्वाइन करें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी नई क्लास आ रही है सारी अपडेट कहाँ पर रहती है टेलीग्राम पे रहती है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना ठीक है अब हम क्या करते हैं शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पलर uh, सीरीज के पहले क्वेश्चन से ऑफ एनिमल किंगडम आई होप बहुत ईजी इजी रहेंगे डायरेक्ट एनसीआरटी बेस्ड होंगे हम फटाफट से सोल्व कर लेंगे है ना चलो सॉल्व करते हैं इन सम एनिमल ग्रुप्स क्या कहा जा रहा है हमें इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इन टू कंपार्टमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम समिस कैरेक्टिस्टिक फीचर इज कॉल्ड सीरियल रिपीटेशन मतलब डिविजन ऑफ़ द सेम एटलीस्ट सम मतलब रिपीटेशन करना कंपार्टमेंट करना डिविजन करना हमने इस चीज को कहां पढ़ा था बेटा मेटामेरिज्म में पढ़ा था कहां पढ़ा था हमने इसको जब हम इनिशियली देख रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वहां पे हमने देखा था कि कुछ फाइलम कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी डिवाइडेड होती है एनिलिडा में एनुलस रिंग देख रहे थे तो एक्सटर्नली या इंटरनली लेकिन बॉडी डिवाइडेड होती है तो उसी रिपिटेशन उसी डिवीजन की बात की गई है अब हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस है ऐसा नहीं है क्वेश्चन को मोल्ड किया जाता है बस लेकिन हमने वो चीज के बारे में पढ़ा होता है इसमें से और कोई भी चीज इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन

types of cells

बर्ड्स में फोर चेंड होते हैं एंड मैमल्स में भी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ चेंबर्ड हार्ट है यहां पर भी के पास है. हमें क्या बताने फोर चेंड वाले बताने ठीक है ठीके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज नोन ग्लैंडुलर स्किन ग्लैंडुलर स्किन आपके एम्फीबियंस की होती है तो जब फ्रोग ऑप्शन है तो उसमें ग्लैंडुलर स्किन है फ्रोग ऑप्शन है तो उसमें ग्लैंडुलर स्किन है और आपको क्या बतानी है नॉन ग्लैंडुलर स्किन बतानी है फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है क्रोकोडाइल एंड टाइगर आ रहा है और एक आपके पास केमिलियो कैमिलियन एंड टर्टल आ रहा है और हमें क्या बतानी है नॉन ग्लैंडुलर स्किन बतानी है तो जो टाइगर आ रहा है बेटा आपके पास टाइगर आ रहे हैं टाइगर के मैमल्स में हमारी स्किन पे तो ग्लैंड होते हैं मैमल्स की स्किन पे ग्लैंड होते हैं तो टाइगर भी क्या हो जाएगी ग्लैंडुलर स्किन हो जाएगी और हमें बतानी है नॉन ग्लैंडुलर स्किन तो यहाँ पे आपके टर्टल्स जो कि रेप्टाइल्स में आ रहे हैं और आपके कैमिलियन जो कि रेप्टाइल्स में आ रहे हैं दोनों ही क्या होते हैं ड्राई स्किन वाले होते हैं उनके स्किन पे ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते तो कैसी स्किन होती है नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है ठीक है, कैमिलियन आपकी आ, हो गई और एक तरीके की लेजर्ड हो गई और टर्टल भी आपका रेप्टाइल में आ गया ठीक है आंसर क्या हो जाता है बी हो जाता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर फाइव बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एस कॉमन फीचर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ते वक्त भी डिस्कस की थी उसके सिलम जो आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हो सब पॉइकिलोम या कोल्ड ब्लडेड होते हैं देखो निमेटिक बोन है सिर्फ बर्ड में प्रेजेंट है वी -वी कुछ मैमल्स में प्रेजेंट नहीं है पिगमेंटेड स्किन भी यूनिवर्सल फीचर नहीं है तो क्या आ गया वॉर्म ब्लडेड ही है जो बर्ड्स और मैमल्स में प्रेजेंट होता है कॉमन फीचर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर नंबर सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू अ सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप देख लो यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास शुरू करो कटल से ये आपकी मोलस्क आ गई जेली से ये आपका सिलेंट्रेट में आ गई तो ये सेम टेक्सोनॉमी के नहीं हो गए सेम फाइलम के नहीं हो ठीक है फिर देखो आपके पास क्या आ रहा है बैट मैमल है पिजन एव्स है बटरफ्लाई कहां इंसेक्टा है ये भी कोई सेम टेक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं है फिर मंकी चिमपे मैन तीनों ही मैमल्स हैं तीनों ही मैमल्स हैं तीनों ही प्राइमेड हैं तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं आंसर हो जाएगा सी आप नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लीजिए सिल्क वोम है तो ये आपके आर्थ्रोपोड में आते हैं टेप वोम है तो ये आपके प्लेटी हेलमेंट में आते हैं अर्थ वोम है तो ये आपके एनालिड्स में आते हैं तो ये भी सेम टेक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं है. अगर आपको पता है कौन सा किस फाइलम को बिलोंग करता है इजिल आप एक क्वेश्चन को कर सकते थे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर सेवन फॉलोइ स्टेटमेंट इज इन जा रहा है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबिलिया ओबिलिया किसको बिलोंग करता है बेटा ओबिलिया आता है आपके ओबिलिया आता है आपके सिलेंट्रेट में सिलेंट्रेट में ठीक है और सिलेंट्रेट में ये क्या कह रहे हैं मीजोग्लिया प्रेजेंट है यानी कि डिप्लोब्लास्टिक कह रहे है. तो ब्लास्टिकेट आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है तो ठीक है ये बात करेक्ट है हमें क्या बताना है इनकरेक्ट बताना है फिर देखो एस्टीरियस की बात हो रही है आपका है echinodermita है echinodermita है है एक्सेप्शन और उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये बात भी सही है आपको इनकरेक्ट बताना है फिर क्या बात हो रही है फेजियोला की फेजियोला किसमें बिलोंग करता है में और प्लेटी हेलमेंथिस बारे में क्या लिख रहे हैं शूडोसिलोमेट यही सेंटेंस गलत हो जाता है शूडोसिलोमेट हमने बहुत अच्छे से याद किया

एट की बात करते हैं जो कि है। की की किस में आता है हमने पढ़ी थी फिर क्या आ रहा है हमारे पास अर्थवम आ रहे हैं हमने पढ़ा था अर्थवम कैसे होते है? हर्माफ्रोडाइट होते हैं अर्थवम और लीचे हर्माफ्रोडाइट होते हैं नीरीज आपकी यूनिसेशल होती है लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इनके अंदर क्रोस फर्टिलाइजेशन होता है हर्माफ्रोडाइट है फिर भी इनके अंदर क्रोस फर्टिलाइजेशन होता है हाँ तो हमने पढ़ा था

उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड gland, एक साथ पढ़े थे हमने अलग अलग नहीं याद किए थे उसके भी से आप इस आंसर को कर सकते थे आपके पास इन कर ही यहां पर आजगा क्योंकि बाकी सारी चीजें सही है ये बात हमको पता है फिर भी आप यहां से याद कर सकते हैं कि प्रॉन के पास क्या होता है ग्रीन ग्लैंड ठीक है पेयर्ड ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीशन के लिए किसके पास प्रेजेंट होता है बेटा प्रोन्स के पास प्रेजेंट होता है ठीक है क्या प्रेजेंट है ग्रीनलैंड प्रेजेंट है फाइन चलो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ फॉलोइ इज ओवी पेर ओवीपेरस आपका एलिफेंट वेल बैट वीवी पेरस होते हैं आपके पास प्लेटिप आता है दैट इज उसके सिवा आप क्या करते हो इकाइडना स्पाइनी ये दोनों ऐसे मैमल्स हैं जो कि ओवी पैरस होते हैं दो नाम याद रखते हो इकाइडना का स्पाइनी एंटीटर एंड डगबेपस जिसको ऑनिंथोरिंगस बोलते हो ये दोनों ओवीपेरस होते हैं हम लोग पढ़ते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक हम पढ़ते हैं कि कोबरा भी वाइपर भी क्रेट भी पॉइजनस है आपका पाइथन आपका अजगर बहुत बड़ा स्नेक है लार्जेस्ट स्नेक है लेकिन फिर भी ये क्या होता है नॉन पॉइजनस होता है पाइथन कैसा होता है नॉन पॉइजनस होता है हमने पढ़ा था ये बात एनसीईआरटी से है ना आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर 11th आपको क्या करना है मैच द फॉलोइंग करना है

आपके पास क्या आ रहा है बेटा? तो हो गया तो टू का आपके पास ए आ रहा है यहाँ पे आपको टू का ए ही गिवन है फिर देख लीजिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल में इन्होंने फेरेटीमा ले रखा है आपका अर्थ ले रखा है डी का वन गिवन है आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी ठीक है चलो

प्रेजेंट है बट वो अच्छे से मिजोडम से लाइन नहीं है मिजोडम या तो पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट है या इस तरीके से प्रेजेंट है कि लाइन नहीं कर रहा तब हम उसको क्या कहते हैं शूडोसिलोमेट और किस फाइल में पढ़ते हैं शूडोसिलोमेट को एस्केल में किस में पढ़ते हैं एस्केल में ठीक है वो बात भी याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या बोल रहे हैं यहाँ आप पर आपको ए से बी आपको करेक्ट करना है बहुत इजी इजी चीजें हैं अभी हम देख लेते हैं अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पोरीफेरा पोरीफेरा में एक चीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम और मैंने आपको बताया था कंफ्यूज मत होना कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडोमेटा में होता है तो दो चीजें आपके पास यहाँ से आ जाती है एक आपके पास क्या आ जाता है पोरीफेरा और दूसरा आपके पास क्या आ जाता है इकाइनोडोमेटा ठीक है तो ए का हमारे पास क्या है वन जो कि टू ऑप्शन में गिवन है ई e का हमारे पास क्या है टू ये भी इन्हीं दोनों में गिवन है तो हम इसको तो पहले कैंसिल कर सकते हैं फिर देख लीजिए की बात है आर्थ्रोपोडा का मतलब ही ज्वाइंटेड होता है तो डी का हमारे पास क्या आ जाता है फोर डी का फोर भी हमारे पास दोनों ऑप्शन में गिवन है फिर आप देख लीजिए आगे आगे क्या देख लेते हैं हम मेटामियस एन्यूली लाइक रिंग्स किसमें प्रेजेंट है एनलिडा में तो सी का आंसर क्या हो जाएगा

आपके पास फिशेस एम्फीबियन रेप्टाइल तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं एव्स और मैमल्स आपके पास वॉर्म ब्लडेड होते हैं। तो में आप कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे फ्रोग लिख सकते हो क्या लिख सकते हो फ्रोक लिख सकते हो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हमसे नेम वन वार्म ब्लडेड एनिमल के बारे में बोल रहे हैं अब वही चीज आपसे कोल्ड ब्लडेड के बारे में पूछी यहां पर आपसे वार्म ब्लडेड के बारे में पूछ रहे हैं मैंने आपको बताया था एव्स और मैमल्स वॉर्म ब्लडेड होते हैं तो आप कोई भी एव्स या मैमल्स यहाँ पे ले सकते हैं uh, हम क्योंकि आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो तो आप पीजें ले लीजिए कोई भी एव या मैमल आप यहाँ पर ले सकते हैं मैं यहां पर लिख दे रही हूँ एव्स या फिर मैमल्स आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास और जैसे यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड था तो कोल्ड ब्लडेड में आप पाइसिस में से कुछ भी ले सकते थे आप एम्फीबियन में से ले सकते थे और रेप्टाइल में से ले सकते थे कोई भी ऐसा ऑप्शन आपके पास गिवन होगा तो ये तीनों ही कैसे होते हैं बेटा कोल्ड ब्लडेड होते हैं कैसे होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं फिर देख लीजिए नेम वन एनिमल प्रोसेसिंग ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन किसका फीचर होता है रेप्टाइल्स का फीचर होता है तो आप यहाँ पर स्नेक लिख सकते हैं आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके के लिजर्ड्स लिख सकते हैं टर्टल्स लिख सकते हैं तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं रेप्टाइल्स के जिनके पास ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट

मेल छोटा और राउंड है, है। है फीमेल फीमेल लंबी डाइशेस मतलब मेल और अलग-अलग होना है ना? तो हमने एक, एक ले लिया। फिर देखिए क्वेश्चन में Arthropod की ब्लड फिल्ड कैविटी की बात बात हो रही है। है, पहली बात वहाँ पर जो ब्लड उसको हम क्या बोलते हैं है? है, है। है है। बेटा है? हम उस को? हीमो सील बोलते हैं उस कैविटी को हम लोग हीमो सील बोलते हैं नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नेम वन फ्री फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ नाइडेरिया नाइडेरिया में आपके सिलेंट्रेट आते हैं सिलेंट्रेट में आप दो फॉर्म पढ़ते हो एक फॉर्म आप लोग पढ़ते हो बेटा पोलिप और एक फॉर्म आप लोग पढ़ते हो मेड्यूसा मेड्यूसा में हमने पढ़ा था ऐसे अम्ब्रेला लाइक -like है मूव करें फ्लोट करें फ्री फ्लॉट करें पॉलिप में हमने देखा था है तो नीचे से जुड़े हुए हैं तो आप मेड्यूसा फॉर्म को क्या कहोगे फ्री फ्लोटिंग फॉर्म कहोगे आप यहाँ पे कोई भी मेड्यूसा ले लेते हो जो कि मेड्यूसा फॉर्म शो करता है वैसे आपका ओरिल मेड्यूसा फॉर्म शो करता है ये बात आपको पता है तो आप ओरिलिया यहाँ पे ले सकते हो उसको थोड़ा सा सुंदर सा लिख देते है आपके लिए थोड़ा सा सुंदर सा लिख देते क्या आएगा यहाँ पे ओरिलिया आ जाएगा दैट इज जेलीफिश ठीक है

उनके अंदर एक निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है उनके पास निमेटोसाइट प्रेजेंट है ये जो निमेटोसाइट होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर स्टिंगिंग ऑर्गन इसको हम लोग कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल या स्टिंगिंग ऑर्गन यहां आपसे स्टिंगिंग ऑर्गन पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा निमैटोसाइट्स क्या हो जाएगा निमेटोसाइट्स ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पता है एनालिट्स का लोकोमोशन हो रहा है लोकोमोशन करने के लिए उनके पास सीटी प्रेजेंट होती है उसके सिवा हमने याद किया था स्विमिंग के लिए उनके पास पैरापोडिया होता है और यहाँ आपसे एक्वेटिक एनालिट्स के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा पैरापोडिया आंसर क्या आ जाएगा पैरापोडिया ठीक है चलो तो इतने ही हमारे पास क्वेश्चन थे एक्साम्पलर के क्वेश्चन हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं आई होप आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी बेटर हुई हो क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होता है किस तरीके से अप्रोच करना होता है क्वेश्चन को वो चीज आपको समझ में आई हो यही हमारा मकसद होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का अब हम इनके पीवाई भी देख लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे अपने एनिमल किंगडम को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पीवाई के साथ टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड इफ दिस वीडियोज आर हेल्पिंग यू से आपको हेल्प हो रही है तो डू शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड ऑफकोर्स कमेंट ओके Bye-bye.